पीएनबी के 11,300 करोड़ के घोटाले के बाद हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। अब इस बात का खुलासा हुआ कि नीरव मोदी ने कैसे बैंक के साथ साथ आम जनता को भी सीधे तौर पर चूना लगाया। दरअसल देश भर में इनकम टैक्स और ईडी की छापेमारी जारी है। देश भर में नीरव मोदी की फ्रेंचाइजी गीतांजलि ज्वेलर्स के शोरूम में छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इसी बीच शोरूम से बरामद हीरों में हेर फेर होने की बात सामने आ रही है। ईडी ने छापेमारी में जब्त किए गए हीरों को मुंबई हेडक्वार्टर भेजने का निर्देश दिया है और यही इन हीरों को लैब में टेस्ट किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि गीतांजलि ज्वेलर्स लैब में केमिकल से बनाए गए अमेरिकन डायमंड्स को सोने में जड़कर बेचा जाता रहा। इसमें सोने के साथ नकली डायमंड को असली बताकर 20-30% ज्यादा कीमत पर बेचा जाता रहा है। गीतांजलि ज्वेलर्स में हीरो के हेरफेर की बात सबसे पहले तब सामने आई जब गीतांजलि ज्वेलर्स के पूर्व प्रेसिडेंट और एमडी संतोष श्रीवास्तव ने कस्टमर्स को ठगने की बात का खुलासा किया था। गीतांजलि ग्रुप के साथ 2009 से 2013 तक काम करने वाले संतोष ने यह आरोप लगाया था कि संगीतकार हिमेश रेशमिया को भी कंपनी ने बेवकूफ बनाया था, लेकिन हिमेश ने जब हीरो को बाहर चेक करवाया तो उन्हें इस फर्जीवाड़े का पता चल गया और उन्होंने इसकी शिकायत भी की थी। हिमेश रेशमिया को टीवी विज्ञापन के एवज में 50 लाख के हीरे देने का वादा किया गया था, लेकिन उन हीरो की मार्केट वैल्यू काफी कम थी। संतोष ने यह भी बताया कि ऐसा एक नहीं बल्कि कई और सेलिब्रिटीज के साथ भी हुआ। इतना ही नहीं, वो 10 गुना ज्यादा कीमत पर हीरा बेचता था। संतोष श्रीवास्तव ने तो यहां तक दावा किया कि ऐसे कई मौके उनके सामने आए जब कस्टमर को नकली और कम कीमत के हीरे दिए गए। मिसाल के तौर पर एक कस्टमर को एक हीरा 50 लाख में दिया गया। असल में ये गीतांजलि के लिए इसकी लागत 2,000 से 3,000 रुपए रही। ऐसा असली और नकली हीरे की मिक्सिंग कर किया जाता था। उन्होंने ये भी बताया कि हीरे की ब्रांड वैल्यू और प्रमाण पत्र के नाम पर प्रीमियम की दर पर बेचे गए। वहीं प्रमाण पत्र भी जाली थे। खरीदारी के दौरान जिस हीरे को ग्रेड ए का बताया जाता था वो वास्तव में सी ग्रेड का होता था। संतोष श्रीवास्तव 2013 तक गीतांजलि में रिटेल कारोबार का प्रमुख रहा। श्रीवास्तव के आरोपों से गीतांजलि के उपभोक्ताओं की रात की नींद हराम हो सकती है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला टीवी, नई दिल्ली।